हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको नेल ग्रोथ के बारे में। तो आप सबके काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि नेल ग्रोथ के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे थी, नेल ग्रोथ के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो को स्क्रिप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, गलती से भी कभी भी आप अपने नेल को बाइट नहीं कीजिएगा। इससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारे नेल तो डैमेज होते ही होते हैं, उससे भी भयानक हमारे पेट के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। आप क्या कीजिएगा, आपके नेल के ऊपर नेल पेंट लगा लीजिएगा और कोई सा भी अच्छा नेल आर्ट बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, नेल पेंट की स्मेल से आप अपने मुंह के अंदर नहीं डालेंगे और नेल पेंट और नेल आर्ट खराब हो जाएंगे ये सोच के आप मुंह के अंदर नहीं डालेंगे। आती है स्टेप नंबर टू, हमारे नेल जो हैं बहुत बार टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं, इसीलिए हमारे नेल टूट जाते हैं। इसके लिए हमें हमारे नेल को वीक में एक बार सेव करना ज़रूरी होता है। इससे हमारा नेल जो है एक सेव में रहता है और नहीं टूटता है। स्टेप नंबर थ्री, नेल्स को सेव करने के बाद आप देखोगे आपके नेल पे काफ़ी डस्ट है। ये जो डस्ट है ये हमें बाहर के जो पोल्यूशन से ही जम जाते हैं। इसके लिए हमें नींबू लेनी है और अच्छे से हमारे नेल को क्लीन करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कोई भी टूथब्रश का यूज़ मत कीजिएगा, इससे हमारे नेल को बहुत हार्म पहुँचता है। 2 मिनट रखने के बाद इसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हम कोई भी एक नेल पेंट के बॉटल को खाली कर लेंगे, जिससे कि हम इसे नेल सीरम बना के स्टोर करके रख सकें। नेल्स के लिए नेल सीरम बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है एक विटामिन ई कैप्सूल। यहाँ पे मैं एक ही यूज़ करूँगी। आप अगर एडल्ट नहीं हैं तो विटामिन ई कैप्सूल स्क्रिप करके आप खाली एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, आप कोई सा भी ले सकते हो कोकोनट ऑयल, कोई इशू नहीं है। ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे मैं हाफ ही ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ तो ज़्यादा नहीं करूँगी। और इसे आप 1 या 1.5 महीने स्टोर करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो कैप्सूल है हमारे नेल को ब्राइटनेस भी रखेगी और इसे लॉन्ग होने में भी मदद करेगी। इसे मैं ऊपर की साइड से थोड़ी सी कट करूँगी और बॉटल में इंसर्ट करूँगी। ध्यान रखना नीचे ना गिरे, आपके बॉटल के अंदर ही गिरे। और आप एक काम करना, इसे पुट कर देना और फिर ढक्कन लगा के सेक कर लेना अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा, ये सीरम हम हमेशा नेल पेंट फ्री नेल्स पे ही यूज़ करेंगे। ये जो सीरम हमने बनाई है उसे हमेशा हम क्यूटिकल के ऊपर ही अप्लाई करेंगे और हल्के हाथों से इसे मसाज करेंगे, जैसे ही मैं वीडियो में कर रही हूँ आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, हमारे नेल के जो ग्रोथ है जो रुकी हुई है वो फिर से रिकवर हो जाएगी और हमारा जो नेल है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है, नेल सीरम तो हमने बना लिया बट इसे किस टाइम पर यूज़ करना है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको रात के टाइम इसे यूज़ करना है सोने से पहले। अगर कभी कभी आप नेल पेंट रिमूव करते हो तो उस टाइम अच्छे से हैंड वॉश करके भी ये यूज़ कर सकते हो। इस वीक में आप इसे 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।